सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए भैया सुर के बहार के। लइका सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए बाबू सुर के बहार। सुर और लइके ताले अनोखा सहन साह होशियार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार। लइका सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए भैया सुर के बहार। सुर और ताल के युद्ध अनोखा सहन साह होशियार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार, अरे यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार। तो आज हम फिर से मनोज तिवारी अपना हिंदुस्तान के सुर प्रेमी जहान के, अपने तो झुक के बाकी भोजपुर या सीनातान के, हम आप लोग के स्वागत करते हैं सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध में। एक तरफ यूपी बा, एक तरफ बिहार बा, वैसे तो अपन परिवार बा, लेकिन युद्ध के सपना बिल्कुल वो निर्णय खातिन बेकरार बाटे, जहां पता चली कि के बनी हमनी के भोजपुरी संगीत के सिरमौर। कल कोई सवाल न उठे कि भोजपुरी संगीत कितना बड़ा महासंग्राम में आप लोग कुछ छूटल छटकल लोगन के मौका नहीं देला, तो हम ऐसन तोहमत नहीं लेब, हमनी के मौका देहल जाए। होखे कोई सुर के संग्रामी जे दे सकेला अगर चुनौती हमनी के उत्तर प्रदेश और बिहार के टॉप 6 लोगन के, तो ओकर स्वागत बाटे। और आज कुछ लोग एह लायक बुझाइल जकरा के लेके हमनी के आईनी जाए जिंगा। वाइल्ड कार्ड खातिर मंच बाटे तैयार। आज एगो कुर्सी खाली रहेला हमनी के अतिथि जज के। आज वो अतिथि जज के कुर्सी पर हमनी के हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा फिल्म के डायरेक्टर के पत्नी के रूप में उनकर पहचान न भइल, उनकर पहचान भइल एक वैसन सिंगर जे गौली जबा पे लागा लागा रे नमक। इसका जोरदार ताली से स्वागत करें जा रेखा भारद्वाज जी के। आज बात करो तो से क्या लगे, आज भीतर भीतर आग जरे, बात करो तो से क्या लगे। ओ मैं चांद निकल गई दैया रे, अंग पे ऐसे चल परे, बाप लगा लगा रे नमक किसका है।
जोरदार ताली आज हमनी के सुर संग्राम में उस शख्सियत खड़ा बाड़ी जिनका गाना पे संसार में किए नाई झुमल होई। शुक्रिया। इस सुर संग्राम के बारे में आप कब सुनली, का कह सकीला, लोग जानल चाहता। देखिए, जब सुर संग्राम शुरू हुआ, बस सुर की बात हुई तो मैंने सुन ली, और ये अच्छा मौका है जो मुझे अच्छा लगता है कि जो गांव में हैं या छोटे शहरों में हैं लोग, जिनको ये मौका नहीं मिलता कि स्टेज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस पे उन्हें अपनी कला का एक प्रदर्शन करने का मौका है, तो ये मेरे ख्याल से काबिले तारीफ़ ये बात है। और मुझे खुशी है कि मैं इसमें गेस्ट जज के तौर पे आज मुझे सुनने का मौका मिलेगा इन आर्टिस्ट को। वाइल्ड कार्ड के सिस्टम में कबो कबो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, और वाइल्ड कार्ड ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें कभी कभी हमें रामसीस मिल जाते हैं। चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा, और विज्ञान इसी तरह से बढ़ता रहा तो अब सरसों को बढ़ा करके बंडा बना दिया जाएगा। रे 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 कि फैशन इसी तरह से बढ़ता रहा कि फैशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो अर्ध नंगों को नंगा बना दिया जाएगा, और चप्पल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो हर सैंडल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। आई रे 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 अरे आरा जैबू की पटना जैबू अर की जैबू खैरुल्ला में काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, अरे काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला। सुतल रहब घरी खाने में, तीन बजे आके जगेगा पतरे को, सुतल रहब घरी खाने में, अरे सुतल रहब घरी खाने में, हे सुतल रहब घरी खाने में, अरे तीन बजे आके जगेगा पतरे को, सुतल रहब घरी खाने में, तीन बजे आके जगेगा पतरे को, सुतल रहब घरी खाने में। अरे मंदिर में सोहेले पंडा पुजारी संतोष भैया, मंदिर में सोहेले पंडा पुजारी आ सोहे के वाड़ी दुआरी में, अरे मर्दा मनैया हसीना पे सोवे मऊगा मरद ससुरारी में, हे मर्दा मनैया हसीना पे सोवे मऊगा मरद ससुरारी में, अरे मऊगा मरद ससुरारी में, हे मऊगा मरद ससुरारी में, अरे मर्दा मनैया हसीना पे सोवे मऊगा मरद ससुरारी में, मर्दा मनैया हसीना पे सोवे मऊगा मरद ससुरारी में। राम आशीष जी हमनी के सुर संग्राम में वाइल्ड कार्ड के देन रहले, और आज हमनी के इनका के ही खातिर बोलैनी है जा
कि दुनिया देखे कि वाइल्ड कार्ड में कैसन कैसन हीरा निकल के आ जाली। गांव से जिनका कब्बो बड़ा मंच पे गावे के मौका नहीं मिलल, रामसिस बागी के गीत वाइल्ड कार्ड के मतलब समझा देले बा। और सबसे पहले हम बुला रहल बनी बिहार के आन। मैं नीलम गुप्ता, रांची झारखंड से। किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। इनका के वापस वाइल्ड कार्ड में मौका दिहल जाए। नीलम आज वापस आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैंने अपनी किस्मत को मुट्ठी में बांध लिया है, बस इंतजार है, मैं उसको सुनना चाहती हूँ। जी एक बार फिर से तैयारी करके वाइल्ड कार्ड में आयल बाड़ी। इनका खातिर हमनी के रेखा जी के नंबर नहीं बतावल जाए, इनका खातिर हमनी के रवि किशन जी के नंबर नहीं बतावल जाए, इनका खातिर आज कल्पना जी और मालनी जी अपन नंबर बताइब जा। वापस आप मेरे हिसाब से एक फुल एटीट्यूड के साथ आई और वो एटीट्यूड दिखा। और इसको एडमिट मुझे जरूर करना होगा, जो भी तीन तीन अभी कॉन्टेस्टेंट्स है यूपी एंड बिहार में जी, उसमें से एक वेरिएशन बन के आप जरूर आए, एक वैरायटी, एक अलग रंग मुझे जरूर दिखा। और नंबर है 31। थैंक यू मैम। मुझे आपकी आवाज़ की ताजगी और आपकी इस विधा के प्रस्तुति ने मेरा दिल जीता है, मेरी ओर से नंबर 30। मालनी जी की तरफ से 30। आपके रवि जी के और रेखा जी के नंबर नहीं पता चली, लेकिन रेखा जी कुछ इनके खातिर कहब तो। ताल में तुमने एकदम गाया और जो इनफैक्ट जब दुगुन भी की बाद में और उसमें भी वो पेस को मेंटेन करना बहुत बहुत अच्छी बात है। सुर के लिए हाँ आप रियाज कर सकती हैं, खड़ा सुर भी लगाएंगी अगर सा पे ओम बोलकर, जहाँ सुर सही लगता है लगते लगते कम रह जाता है थोड़ा, कहीं आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो कंट्रोल आपका अपनी वॉइस पे होगा, उसके लिए थोड़ा सा रियाज करें तो और अच्छा होगा। थैंक यू मैम। कला माई का गुहार लगेलू तो कोशिश करें कि न्याय मंडल के पसंद आए, लेकिन बुलंदी बहुत रहे, ताजगी बहुत रहे और बाकी सब कुछ अपन कमती ज़्यादा तो बेसी पता चल गई हो, ओकरा के ध्यान में रखी।
स्वागत बा। जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। नीलम जी के बाद अब बारी बाटे वाइल्ड कार्ड के एपिसोड में ओह महासंग्रामी के जो उत्तर प्रदेश के तरफ से आपन दावा प्रस्तुत करे वाले बाड़े। ध्यान से कान खोल के और सारा तन्मयता से चेक करे के बाकी का ई चुनौती दे सकेले हमनी के यूपी के शान के। हंसी मजाक में हम अपना उत्तर प्रदेश के सम्मान के लड़ाई में कब पीछे रह गई हमारा खुद ना मालूम चल। विशाल के एक बार और सुन करके हम लोगन के फिर से इत्मीनान हो जाए कि हम लोगन से कोनो चूक तो नहीं ना भाई। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े है भगवान बड़ी फुर सत से तोहरा के बनौले बारे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के गाना आप लोग सुन रहल बनी जा। ये लोग आज वाइल्ड कार्ड के मार्फत दोबारा दावा पेश कर रहल बटे चुनौती दे रहल बटे हमनी के यूपी के शान लोगन के और बिहार के आन लोगन के। इनका के कितना नंबर दे कल्पना जी? जिस मोड़ पे आप आउट हुए थे जिस पॉइंट पे आप गए थे आप अभी भी मेरे हिसाब से वही हो। मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मीन्स मैं निराश हूँ और नंबर है 20। कल्पना ने जो बोला है उससे कुछ हद तक मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी ओर से आपके लिए आज नंबर 32। 32 नंबर और 20 नंबर, नंबर में तो काफ़ी अंतर बा लेकिन लगभग कमेंट्स समान बाटे। रेखा जी के कैसा लगल विशाल जी के गीत हमने के जानना चाहल जी? विशाल तुम्हारा जो परफॉर्मेंस का अंदाज है वो बहुत अच्छा है, लगता है सारी जो तवज्जो है वहाँ ज़्यादा दी है। यहाँ पे परफॉर्मेंस है मतलब प्रेजेंटेशन पे हमें मार्क्स देने, लेकिन आप गाना कौन सा चुन रहे हैं? तो
तो आपको ऐसा गाना चुनना जिसमें आपकी जो बेहतरीन जो आपकी क्वालिटीज हैं वो आ सके, तो अगली बार आप वो ख्याल रखना, ठीक है जी। रवि भैया, इनके खातिर कुछ दिशा निर्देश। इतना बड़ा मंच दोबारा भेट आई तोरा के तो पगला जाए के छात्र है, हमनी लोगन के पगला दे के छात्र है। हर हर महादेव जीवन में, लेकिन आगे जरूर बढ़ी है। का भइल ये तो समय बताई, आज के दिन दो ही लोग जाई, बाकी अगला एपिसोड में जाई के रह जाई, जेह जिंगा हर बार करी मजेदार परफॉर्मेंस उहे रह जाई, मचल बाटे घमासान। हम ऐसे पहले कि आगे कोई के बुलाई ले एक छोटा सा विराम, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली तो सिर्फ सुर के धार, देखत रही जाई घमासान, सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। अरे एक ओरी यूपी बाटे एक ओरी बिहार, ना तो चली लाठी ना तो चली तलवार, एक ओरी यूपी बाटे एक ओरी बिहार, ना तो चली लाठी ना तो चली तलवार, यहाँ चली खाली सुर के धार, सुर संग्राम भोजपुरिया, चली खाली सुर के धार। वापस स्वागत बाटे आप लोगन के ओ कार्यक्रम में जोना के दुनिया कहतिया सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। हम बुला रहल बानी अपने अगले महायोद्धा के वाइल्ड कार्ड में, जे दे सकेला चुनौती हमरे बिहार के आन लोगन के। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हम अभिषेक तिवारी। तो कुछ हमारा में कमी रहे, टॉप 24 में ना आ पौली। आप स्टैंड बाय में हैं तो हौसला मत खोइएगा, और फिर से हमारा वाइल्ड कार्ड में मौका मिलल बा। हम चाहता नहीं कि कैसे भी वाइल्ड कार्ड में अभिषेक तिवारी के हम दोबारा ही मंच पे देखिए। हम चाहता नहीं कि नंबर तो जस सारू जो देव जा देव जा, लेकिन चाहता नहीं कि रउआ एक बेर एक अंतरा और गा दही, और हम तो रामाशीष भाई के ऊपर एक्शन दिखा दही आपके। रामाशीष तनी चाव नहीं
पैसा है पैसा करते रहे ला ई बात जियरा के साले ला जब तू गावत रहा ना तो लागा तई कोनो में रहुए गावत दिया और हम चला तनी तोहरे खातिन रेखा भारद्वाज जी के कमेंट्स। तुमने जब पूरा रस लेके गाया ना वो चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखें बीच बीच में बंद भी हो रही थी, हम सब ने वो रस लिया। बहुत बहुत ही अच्छा गाना है तुम्हारा, कीप इट अप। बेपरवाह अंदाज, कुछ हो ही नंबर मिले ना मिली, हम तो आज अपन झंडा जरूर गाड़ते। बढ़िया बढ़िया से आज झंडा आपके जरूर गड़ल, आपके मालूम हो जाए चाहिए 35 हमारे का 34 मार्क्स के साथ। ये बोलूंगी कि आपने सीधा हमारे दिल पे वार किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अद्भुत बाड़ा तू, अद्भुतम बाड़ा तू, अद्भुताज बाड़ा तू। रवि भाई की जो कमेंट्स है ना वो बड़ा खास तौर पे मिलेला। आज जरूरी बाटे कि रामाशीष बागी भी बतावे किनकर परफॉर्मेंस कैसा लागल तोहरा के। जे हमके नचा दे उठा के तू जान ला के अच्छे लगे। रामाशीष बागी के नचा दे ले और चल के अपने कुर्सी पर बैठ जा, इंतजार कर। इनके लेके जा, इनके लेके जा, अपना और मत लेके जाइ, बिहार में लेके जा। मचल बाटे वाइल्ड कार्ड के मार्फत चुनौती के घमासान, वो चुनौती में कितनी ताकत बा ये तो आप भी समझता नहीं, जज साहब लोग भी समझता नहीं जा, लेकिन चुनौती बरकरार बटे, घमासान बरकरार बटे। हम बुला रहे अब अपने उत्तर प्रदेश के तीन लोगन के चुनौती देवे खातिर, शायद उनकर सिलेक्शन हो जाए वाइल्ड कार्ड से वा सके। गोरखपुर के प्रियव्रत मिश्र, हम उत्तर प्रदेश से प्रियव्रत मिश्रा प्रणाम करता नहीं भोजपुरिया समाज के। हो सकेला हमरा से कोनो गोला में त्रुटि हो गई हुई, लेकिन अगर एक बार फिर गावे के मौका मिल बा तो ये मौका हम ना गवाए। प्रियव्रत की आवाज में एगो ऐसन मिठास बाटे जौना के इंतजार खाली सुर संग्राम के ना ही बल्कि भोजपुरी भाषा के बाटे। बाबुल खुशहाल
वाइल्ड कार्ड में हमनी के परेशान बनी जा कि हमनी के कोई ऐसा लोग मिले जेकर गाना सुन के हमनी के रोवे लागिन जा, जेकर गाना सुन के नाचे लागिन जा, जेकर गाना सुन के एकदम रोंगटा खड़ा हो जाए। प्रियव्रत जी आयल बने, यहाँ के स्वर कितना असर डलले बाटे। हम एक बार फिर से रेखा जी के पास चलो। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि पहली बार शायद मतलब मेरी नॉलेज में ऐसा हो रहा है कि यूपी बिहार से हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं, आगे के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं आप। ये बहुत बहुत काबिले तारीफ बात है। और प्रियव्रत, तुम्हें जो कहते हैं ना वो रूदारी ऊपर से मिलती है, भगवान दे जिसे, बाकी लोग फिर रियाज करके वो करके हम पैदा करें। तो आपको एक वो जो दर्द जो सोज कहते हैं हम आवाज़ में, वो आपके है, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आपको सुरों का लगाव है, उसको सुरों का खुद रस लेना, वो आपको तैयारी करनी है। बाकी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मालनी जी, जिस रंग का आप गा रहे हैं वही रंग हमारे रघुबीर में, मंगला में और मनोहर में भी है। वहाँ पे थोड़ा कम पाती हूँ, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश से जिनको सुना है उससे आप आगे हैं मेरे हिसाब से अंकों में 34। रवि किशन जी, प्रियव्रत जी का तीर। जैसे कि रेखा जी कहलिन की तोहरा पर भगवान से साक्षात माई भगवती तोहरा एकदम कंठ में आके बस गेल बाड़े। बस बाबू एक है कि आज शायद हमरा के ऐसे लगा तोहरा के देख के कि तू जब न्याय मंडल में तार आँख ज्यादा गड़ल रहे बजाय अपने सुर पर। जय हो। एक पॉइंट मुझे पर्सनली लगा कि शायद शब्दों को आप जैसे एक जैसे जबान खोल के गाना, जैसे अंदर ही अंदर जैसे आप शब्दों को खा रहे थे, जैसे क्लैरिटी होना चाहिए वो मुझे पर्सनली नहीं मिला, और जैसे आकार इकार और अच्छा से आना चाहिए था, और भाव सही में बहुत अच्छा था, गीत का चयन बहुत अच्छा था। 25 बहुत सख्त आज कल्पना जी कहे कि कल्पना जी के मालूम बाटे कि हमने के वाइल्ड कार्ड से ओह व्यक्ति के चुनाव करता नहीं जा जी अचानक पीछे से आई और 25 लाख रुपया के हकदार बन जाए। एगो मौका देता नहीं जा कि हमनी के जब टेक ऑफ लेता नहीं जा 25 लाख रुपया के तरफ बाइक के तरफ, तो कोई प्रश्न न बचल रहे कि हमरा के मौका न मिलल। पांचवा के बाटे जे आज चुना के आयल बाटे वाइल्ड कार्ड में चुनौती देवे खातिर आप लोग के सामने बा। हम शुभ लक्ष्मी पांडे पटना बिहार से। शुभ लक्ष्मी आई और चली गई, शायद कुछ कमी रह गई उकरा चलते इनकर शायद अगला राउंड में ना जा पाईली। सुर संग्राम के मंच पर एक बार फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए आवत नहीं, और इस बार हम ये चीज के सिद्ध कर देम कि हमरो गायकी में दम बा। उम्मीद करती हूँ कि इस मौके का आप पूरा पूरा फायदा उठाएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छा।
चुने के बा हमनी के। आठ लोग बाड़े, आज के पांचवा पार्टिसिपेंट शुभलक्ष्मी जी, और शुभलक्ष्मी जी खातिर सीधे कल्पना जी के पास चला। आप जितनी खूबसूरत हो, आवाज़ में भी वो मीठापन है, मुझे ऐसा लगता है आपकी आपका आवाज़ बहुत ही मीन्स एक स्वीट एंड मेलोडी काइंड ऑफ मेलोडियस काइंड ऑफ वॉइस है। और नंबर है 27। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती, सिर्फ नंबर बताती हूँ आपके लिए 31। वैसे तो आज के हिसाब से 31 और 27 जो अनाउंस भेल बाटे वो आशा भरा बाटे, लेकिन तोहरा से कितनी आशा बाटे रेखा जी जरूर बताए। मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि खूब रियाज करो, वो चीज़ है तुम में के आर्टिस्ट बनने वाली बात है ना, तो खूब मेहनत करो। थैंक यू मैम। रवि किशन जी, इतना बढ़िया चेहरा, उतना बढ़िया आवाज, लेकिन प्यास नहीं खे, भूख। चल के अपनी कुर्सी पर बैठ जा, इंतजार करो रिजल्ट की। हम बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के अगला कलावीर के। हम सौरभ श्रीवास्तव सभी लोगन के प्रणाम करत बानी। हमके एक बार फिर से मौका मिलल बाटे जिमे हम अपने सुर के माध्यम से बिहार के देव चैलेंज। इनकर चलिया बहुते मन माना है, इनकर चलिया बहुते मन माना है, बाबू मत बोला बड़का घराना है, बाबू मत बोला बड़का घराना है, इनके हथवे में जिला और थाना है, इनके हथवे में जिला और थाना है, बाबू मत बोला बड़का घराना है, हे भैया मत बोला बड़का घराना है। कबो शिकार कबो लागेला बड़ा शिकारे, थैली में अश्लील पाउडर सब सौदा मनिहारे, लागे कबो शिकार कबो लागेला बड़ा शिकारे, थैली में अश्लील पाउडर सब सौदा मनिहारे, ताके कतही आ कतही निशाना है, ताके कतही आ कतही निशाना है, भैया मत बोला बड़का घराना है, हे बाबू मत बोला बड़का घराना है, रेखा जी जरूर बताइए कि अब तक में सौरभ कहाँ कैसन। मैं खुश हूँ कि फाइनली एक गाने वाला मिला जिसने पूरे सुर में गाया गाना, बहुत मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैंने तुमको देखा, म्यूजिक चल रहा था और तुम ऊपर वाले से कर करके अपने गाने को याद कर रहे थे कि अंतरे के लफ्ज़ ना भूल जाऊं कहीं मैं, तो वो कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बात है। सिर्फ गाना थोड़ा और बढ़िया ले सकते थे, क्योंकि आवाज़ अच्छी है तो गाना अगली बार और अच्छा लेना। पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ इस बात से कि तुमने पूरा सुर में गाया। थैंक यू मैम। रवि जी बहुत बढ़िया, दिल के आत्मा के छू देला कि एगो बढ़िया सा आवाज़ गई आज कान में, अचानक हाथ उठ गए, ओकरा खातिर तोरा के हम प्रणाम करब। जय हो। कल्पना जी और मालिनी जी के नंबर आज पता चली, और सबसे पहले मालिनी जी बहुत बढ़िया वॉइस क्वालिटी बात तुहार, तो बधाई। कैसे कि वो कुदरतन होला, ओकरे में खाली निखारे के काम गुरु लोगन का काम होला, लेकिन
बेसिक वॉइस क्वालिटी ईश्वर की देन रहत होके धन्यवाद देख चाहिए बहुत खूबसूरत आवाज बात है तोरे खातिर 35 40 में 35 नंबर कल्पना जी मैं अभी आपको सौरभ सुबह की तरह देख रही हूँ मीन्स मॉर्निंग बहुत ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा मॉर्निंग सुबह लेकिन सुबह की उगता हुआ सूरज देख के ये पता ज़रूर लगता है कि दिन भर में सूरज का तेवर कैसा रहेगा सो बहुत उम्मीद है 33 थैंक यू मैम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा जा सवेर के भोर नियनैश कर सौरभ के स्वर में ताजगी मिलल बाटे जज लोग के चेहरा खुश बाटे कमेंट्स अच्छा बाटे और हमनी के इंतजार बाटे कि कौन उस सुर के वीर आई जो अपने प्रदेश के शान के पगड़ी बांध ली अपने माथा पर केवल दू गो सुरवीर बचल बानी 6 लोगन के हो गई इम्तहान घमासान में वाइल्ड कार्ड के अगला महायोद्धा के बाटे वो आपके सामने बने संगीत के लड़ाई में प्रदेश के सम्मान में मिल रहल बा मौका एक बार फिर हम चंदन तिवारी ई मौका ना गवाई जब चंदन तिवारी हमनी के मंच पे गौले रहेंगे तब उनकरा और खुशबू जी में थोड़ का अंतर है हमार मन कहता कि बिहार के एगो बहुत ही बढ़िया बहुत ही अद्भुत कलाकार चंदन तिवारी के रूप में भेटा सकेला रेखा जी के नंबर और रवि जी के नंबर नहीं बतावल जाए लेकिन रेखा जी बोल सकी ना किनके सुनला से कैसन लागल ये अच्छा आपको मौका मिल रहा है कि यहाँ आप सुनकर और फिर आपका शौक है और अगर आप जेन्युइनली करना चाहती हैं तो मेहनत कर सकती हैं आपकी आवाज़ अच्छी है रेंज बहुत अच्छी है लेकिन सुर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपने गाने को खूब इसी गाने को अगर गाना है 50-60 बार रोज़ गाओ जिससे इतना मंज जाए कि जब यहाँ गाओ तो गाने की तरफ ध्यान ना देना पड़े सिर्फ उसके भाव में उतर सको जी थैंक बहुत बड़ा मौका रहे थोड़ा कंसंट्रेशन करो गुड़िया बहुत बढ़िया आवाज़ बाटे बढ़िया गैलू थोड़ा सा भटक गैलू तरह के भी मालूम बाटे कल्पना जी जो मैंने विशाल के लिए कहा था उसी को मैं रिपीट करना चाहूंगी तो सीधा मैं मार्क्स पे आती हूँ 20 आप लोग को एक गाना मिला उसमें भी आप लोग भूल जाते हैं कि कहाँ से टेक लेना है 32 नंबर और 32 नंबर के साथ चल के अपनी कुर्सी पर बैठ जाए इंतजार कर निर्णय की एक बात बिल्कुल मत बुलाए जा कि सुर संग्राम के हे मंच पर बनल रहे खातिन हर बार करे के पड़ी मजेदार परफॉर्मेंस और आज के आखिरी परफॉर्मेंस दुआरा से लेके मेरा नाम अभिषेक अरुण है
वाइल्ड कार्ड के थ्रू इसमें एंट्री मुझे मिली है सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध में। जितने भी 3 पार्टिसिपेंट पहले से उत्तर प्रदेश में हैं, मैं उनको भी पीछे छोड़ दूं और काफ़ी आगे तक जाऊं। इनका खातिर हम चलब सीधे कल्पना जी के पास। मेरे हिसाब से पर्सनली आपको रहना चाहिए और मार्क्स है 30। मैं कम से कम अपने लिए कह सकती हूँ कि आपको मैं अगले एपिसोड में सुनना चाहूंगी वाइल्ड कार्ड में कि आप इससे अलग कलर क्या सुनाते हैं। नंबर मेरी ओर से आज 36 सबसे ज्यादा। लास्ट परफॉर्मेंस लेकिन बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, गाना सब कुछ अच्छा। सिर्फ मेरी एक सलाह है, क्योंकि तुम्हारी अपनी आवाज़ अच्छी है जो बीच बीच में मुझे उसका आभास मिला, और कुछ जगह आप मतलब इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है। मैं लता जी मेरे लिए सरस्वती हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी आवाज़ इमिटेट करने की कोशिश नहीं की। तो अपनी आवाज़ को बनाओ और अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाओ तो गाना एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, क्योंकि वो गुंजाइश है, बाकी बहुत अच्छा है। एक तरफ यूपी के शान बने के तैयारी, एक तरफ बिहार के आन बने के तैयारी, और हम चाहता नहीं कि रिजल्ट बताएं, ओकरा से पहले आप सब लोग मंच पे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहे। हमने के अपने सुर संग्राम में एगो क्षण देखे ली जा जो सबसे अच्छा क्षण होके, ओकरा के कह ली जा बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। तो इससे पहले कि हम आज ही बताएं कि के सबसे लोएस्ट बाटे, के वाइल्ड कार्ड में आके भी वापस चल जाई, हम आपके दिखावल चाहता नहीं बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। खेती छोड़ी बहरा कमाल
सुर संग्राम के लिफाफा में जो रिजल्ट खुली ओकरे अनुसार दो लोग यहाँ से वाइल्ड कार्ड में आके वापस चल जाई। वो 25 लाख रुपया से भी दूर रही, मोटरसाइकिल से भी दूर रही। और हम बिना कोनो देर के लिफाफा खोले जा रहल बानी। भगवान जैसन करी अच्छा करी। आज के सबसे कम नंबर बाटे 1 चंदन कुमारी। आप खाती नंबर बाटे 95 नंबर और आज के सबसे कम नंबर रहल। चंदन जी आपके वाइल्ड कार्ड से वापस जाए के पड़ी। तू कुछ बोलल चाहता रू, कुछ कहल चाहता रू? बच्ची तू जा सकेलो। डाबर रेड पेस्ट यूपी के सान 4 लोग सौरभ जी, प्रियव्रत जी और विशाल जी, अभिषेक अरुण जी। और जज साहब लोगन के अनुसार सौरभ जी आज सेफ हो गए। सौरभ जी आगे बढ़ गए बड़े और अभिषेक अरुण भी सेफ, आप भी सेफ बने। बधाई हो अभिषेक जी। विशाल जी और प्रियव्रत जी में कोई एगो फंस गए बाटे। विशाल कई बार लोगन के बहुत आनंद दिले बाड़े और बड़ी आशा से इनका के बुलावल गिरे है। और प्रियव्रत बहुत पहले ही छट गिना, लेकिन आज अगर दोनों लोग के नंबर देखल जाए तो आज विशाल पर प्रियव्रत भारी पड़ गिले। विशाल के वाइल्ड कार्ड से जाए के पड़ी। और आपके विदा करत हमने के दुख हुई, लेकिन आपके जाए के पड़ी। फिर मिलल जाए तोहरा से। कल्पना जी का चाहता ये आधार पे हमने के आगे बढ़े की। मैं चाहती थी कि इस एपिसोड का समापन रेखा जी करें। और रेखा जी आपको मैं बोलूं कि आपका एक ऐसा गीत है जब जब वो टीवी पे बजा या कहीं भी मैं सुनी, कहीं ना कहीं जैसे प्रभु दर्शन हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि सबको सबको वो आप दर्शन कराए प्रभु की। और वो गीत है तेरे इश्क में। तेरे इश्क में